उत्तर प्रदेश में भी आज जबरदस्त सरगर्मी है। सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है और योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी, बजट में प्रावधान किया है। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की कार्रवाई को भी इस बजट में हम लोगों ने प्रदेश की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर जो हमारे पास पोटेंशियल है वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है। इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई, प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। निसारनाथ गुह्य सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर के लिए, इसके अलावा आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है यूपी जैसे राज्य में, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। प्रदेश में राज्य कृषि विकास योजना प्रस्तावित की गई है, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग जो प्रदेश के अंदर निजी नलकूप हैं उनसे जुड़े हुए किसानों को हम लोग बिजली उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए निशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभाव न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए भी हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, जो खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, वह भी हम इसके साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का यह बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो
तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आम बजट की जो हमारी प्रस्तुति थी वह डिजिटल हो गई है। पहले की भांति बजट पुस्तकों को प्रकाशित कराने की प्रथा लगभग समाप्त है। यह भी पर्यावरण के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और झारखंड में क्या चंपई सरकार बहुमत साबित कर लेगी, ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है। इसके पहले चंपई सोरेन का संबोधन हुआ, हेमंत सोरेन का भी संबोधन हुआ, जिसमें एक तरीके से वो विक्टिम कार्ड भी ऐसा लगता है खेलते हुए नजर आए, और इन सबके बीच बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या चंपई के पास नंबर है या अब भी कोई डर है, क्या उनके पास नंबर है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा जब फ्लोर टेस्ट का नतीजा आ जाएगा, सरकार क्या पास हो जाएगी बहुमत परीक्षण में। लेकिन इन सब के बीच अभय जी, आपने भी हेमंत सोरेन का सुना भाषण, जो स्पीच वो दे रहे थे सदन के पटल पर जब अपनी बात रख रहे थे, आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं, इसमें क्या आपको प्रमुख बात नजर आती है? देखिए, अगर मैं उनकी स्पीच ना भी सुनता तब भी मैं मुझे पता था कि वो क्या बोलेंगे, या मेरे साथियों को भी मेरे ख्याल से इस बात को पहले से मालूम था वो क्या बोलेंगे। जब से ईडी की कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ शुरू हुई है, उसी वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरफ से एक कहानी अपने मतदाताओं को, अपने जनाधार को एक कहानी सुनाने की कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है जिस कहानी को सुनाने में वो सफल भी हैं और वो संदेश भी अपने जनाधार तक पहुंचा पाने में कामयाब हैं। तो भले ही वो मुख्यमंत्री न रहे हों, लेकिन और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अपनी राजनीतिक स्थिति इस ईडी वाली घटना के पहले जो थी उसके मुकाबले थोड़ी सी मजबूती की है, और उनका जो गठबंधन है, गठबंधन भी अभी तक मेरी निगाह में मजबूती से खड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी टूट की गुंजाइश मुझे एक और प्रमुख बात रामकृपाल जी साफ तौर पर कहते हुए हेमंत सोरेन नजर आए, चुनौती देते हुए नजर आए मोदी सरकार को कि वो जो जमीन है जिसे लेकर उन पर आरोप लग रहा है उसके कागज हैं तो दिखाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। नहीं देखिए अखिलेश जी, इसके पहले सोरेन जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। कहने का अर्थ यह है कि बाकी मोदी को तो छोड़ दीजिए, मोदी का काम सबूत दिखाना नहीं है। जो चार्जेज प्राइमा फेसाई कोर्ट के सामने आए थे उसमें कोर्ट को गंभीरता लगी है। तो देखिए, यह तथ्य है कि अदालत ही आपको बरी कर सकती है, अदालत ही कर सकती, बाकी ये जो आज उन्होंने भाषण दिया है और ऐसे कोई भी देता, और एक विक्टिम कार्ड खेलने का उनको अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। देखिए, झारखंड की ये विधानसभा तो अब गई, 11 महीने बचे हुए हैं, सबको पता है कि अगला ठीक है, ये सारी की सारी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो 2000 इसी साल में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्थिति आप कितना भी कह लीजिए, आज मैं जानता हूँ कि सब जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप देश के लेवल पर देखिए सारे विधायकों को आज की चिंता नहीं है, 11 महीने बचे हैं, 6 महीने पहले छोड़ दे तो अलग बात है, सब ये देख रहे हैं कि उनका भविष्य किस पार्टी में होगा,
कहाँ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सरकार बच जाएगी, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो भी वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आने वाला लोकसभा से ज्यादा उनके लिए चिंता जो है विधानसभा की है, ठीक है राकेश जी, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन अपने भाषण में कि मैं 5-स्टार होटल में रुकता हूँ, BMW कार में घूमता हूँ, हवाई जहाज में सफर करता हूँ, तो लोगों को इसमें दिक्कत है, बीजेपी वालों को, क्या कहना क्या चाह रहे हैं संकेतों में, क्या कह रहे हैं वो? वही कहना चाह रहे हैं जो किसी टाइम पे मायावती जी कहा करती थी कि दलित की बेटी हीरा पहनती है तो लोग उंगली उठाते हैं। बाद में स्थितियां ये होती हैं कि आज दलित समाज ये समझ गया है कि मायावती जी जो हीरा पहनती हैं तो मायावती जी दलितों में उच्च वर्ग में पहुंच गई हैं और दलित वहीं पे खड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे आदिवासी समाज को, आज ठीक है आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि आदिवासियों के साथ बहुत प्रताड़ित किया जा रहा, एजेंसी उनको परेशान कर रही, लेकिन आप यदि उसका इतिहास देखिए तो वास्तव में सिब्बू सोरेन जी कह रहे हैं जो सच है कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन जी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जेल गए, आपके मधु कोड़ा भी गए और अब हेमंत सोरेन भी जा रहे, तो झारखंड विकास कहाँ कर रहा है। दूसरी बात, जो उन्होंने राजभवन पे उंगली उठाई तो 1952 में तमिलनाडु से लेके 2005 में यही झारखंड तक राजभवन की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है, ठीक है। तो राजभवन अलग विषय है, हाँ। और हेमंत सोरेन की तरफ से जो कार्ड खेला जा रहा है, मुझे लगता है वो कार्ड कितना चल पाएगा अभी कहना कठिन है, क्योंकि मामला न्यायालय में जा चुका है। न्यायालय में तो आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो, और आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है। इस समय दो बड़ी पॉलिटिकल खबरों पर हमारी नजर इस समय बनी हुई है। एक तरफ झारखंड में चंपई सरकार के बहुमत परीक्षण पर बहस हो रही है। कुछ देर पहले सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपनी बात रख चुके हैं, अभी दूसरे विधायक बहस में शामिल हैं। दूसरी ओर बिहार को लेकर नया सस्पेंस पैदा हो गया है। वहां फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है, लेकिन बवाल मचा हुआ है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट और बिहार में क्या होगा, यह सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं, बेटे को अच्छा विभाग न मिलने से नाराज हैं। क्या कोई और विभाग नहीं था, यह सवाल पूछ दिया जीतन राम मांझी ने। मुझे भी यही विभाग दिया था, जीतन राम मांझी ने यह कहा है। बेटे को भी SC ST कल्याण मंत्री बनाया गया, यानी उनके मुताबिक यह विभाग बढ़िया नहीं है। तो बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं, बेटे को उन्होंने कहा कि अच्छा विभाग नहीं मिला, इसीलिए वो नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी यही विभाग दिया गया था और बेटे को भी SC ST कल्याण मंत्री बनाया गया है। लेकिन क्या इस नाराजगी का कोई नुकसान भी हो सकता है, बड़ा सवाल बना हुआ है। बेटे को अच्छा विभाग ना मिलने से जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं। उनका यह कहना कि मुझे जो विभाग दिया गया था, यानी SC ST कल्याण मंत्री मुझे बनाया गया था, यही विभाग बेटे को दिया गया, कोई और अच्छा विभाग मिलना चाहिए था, उनका यह कहना। हम लोग का भी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बन ले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमारी के खाली यही विभाग है, सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमारे के ना है का, ये लगनी दुख है हमरो। तो जो मंत्रालय मिला उनके बेटे को, यानी SC ST कल्याण मंत्रालय जो मिला है, वही उन्हें भी मिला था जीतन राम मांझी को। इस बात से वो नाराज नजर आ रहे हैं, अपना असंतोष जाहिर करते हुए दिख रहे थे। सवाल यह है कि क्या बिहार की पिक्चर अभी बाकी है, बिहार में क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल। और एक विजय जी, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा, मतलब जिस मंत्रालय से SC ST का कल्याण हो वो विभाग मतलब बढ़िया नहीं है जीतन राम मांझी के मुताबिक। बिल्कुल अखिलेश जी, यही राजनीति की त्रासदी है कि बल्कि ये तो एक मौका था। आप SC ST कल्याण की बात करते हैं, नुमाइंदगी उनकी ग्रुप की कर रहे हैं, और यदि वो मंत्रालय मिल जाता तो एक बड़ा मौका होता है कि आप उस पर काम कर सके, अपने जो कम्युनिटी है, अपना जो समुदाय है, समाज है, उसका फ़ायदा वहाँ पर कर सके, उनका भला कर सके। लेकिन ये जो अच्छा विभाग है ना, ये मुझे नहीं समझ आता कि अच्छा विभाग का क्या मायने होता है, कि पुल बनाने वाला विभाग हो और जहाँ पे इसका मतलब कि अब उसको मैं नहीं बता सकता, जिसको लोग आमतौर पर कहते हैं कि मलाईदार विभाग है, तो वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के मन में एक तो जो
आरजेडी और जो गठबंधन है उसने उनके दिमाग में डाल दिया कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए अभी उनको ये तय नहीं कर पा रहे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। चार विधायकों के बाद दो मंत्री की मांग वो कर रहे हैं, चार विधायक उधर चले जाएंगे अगर तो बिहार में मोदी ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार है उसके लिए थोड़ा सा एक रिस्की हो जाएगा, हालांकि उसके बाद भी चार सीट नहीं जरूरत है। अभय जी ये साफ वही है या क्या है, मतलब खुल के कह रहे हैं भाई ये विभाग मुझे भी दे दिया गया था, SC ST कल्याण वाला बेटे को भी दे दिया गया और कोई विभाग नहीं मिल सकता क्या, पुल वाला विभाग या जहां पर इस चीज को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो विजय जी ने जिस तरह देखा मैं उससे सहमत हूँ, एक और तरीका है जैसे आपने किसी मुसलमान को मंत्री बनाया तो आपको फौरन उसे आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दे देते हैं, जैसे कि मुसलमान की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों का कल्याण करने की है, हिंदू की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों का कल्याण करने की नहीं है। दलित की जिम्मेदारी क्या है कि वो सामाजिक न्याय विभाग ले, किसी ब्राह्मण की जिम्मेदारी नहीं है सामाजिक न्याय विभाग देने की। तो एक ये भी दृष्टिकोण है इसको देखने का, ये एक बड़ी समस्या भी रही है। जैसे एक मीटिंग में कोई आदमी सुझाव देता है फिर उसी को जिम्मेदारी उसकी दे दी जाती है, इस चक्कर में लोग सुझाव देना ही बंद कर देते हैं, तो ये एक समस्या है, इस समस्या इसको भी देखना चाहिए। रामकृपाल जी ऐसा होता है महिला मंत्री हुआ महिला कल्याण मंत्र, भाई पुरुष को क्यों नहीं दे रहे महिला कल्याण मंत्रालय। जीतन राम मांझी जी तो साफ वही से कह रहे हैं कि कोई और विभाग उसने बताया कौन हो सकते थे, निर्माण वगैरह वाला विभाग नजरिए हो सकते हैं इसको देखने के। ये रामकृपाल जी मांझी जी ने वर्तमान आज के जो राजनीतिक मैं उसको ये कहता हूँ कि राजनीति की जो त्रासदी है उसको उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से बयां किया है। मतलब साफ साफ बात है कि जैसे जैसे अगर चार पार्टियों का शासन है तो चार विधायक वाले जो नेता हैं वो ये बार्गेन कर सकते हैं कि हमको मलाईदार विभाग मिलना चाहिए। यह ट्रस्टी देख लीजिए आप, और ये बिल्कुल उन्होंने इनोसेंटली बहुत साफ कर दिया कि विभाग जैसे उन्होंने कहा PWD विभाग मिलना चाहिए यानी निर्माण कार्य। अब आप सोच लीजिए ये चीजें अनजाने निकल के आ रही हैं कि हमारी राजनीति कहाँ तक गई है, और जिसके पास चार विधायक हैं वो भी ये देखेगा कि कौन सा विभाग ऐसा है जहाँ से मतलब अब अच्छा और बुरा विभाग ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। और जैसा विजय जी ने कहा बहुत सही बात कहा कि अगर आपको ये लोग जो अभी तक सुना आपने झारखंड में कि आदिवासियों के कल्याण के लिए मर जाऊंगा फलाना करूंगा, और वही बगल के एक मंत्री जिनको आदिवासी विभाग दिया जा रहा है वो कह रहे हैं ये कौन सा विभाग है किधर लेकर के, तो ये राजनीति की ट्रेजडी जिसको कहते हैं ना ये बहुत भयानक है। त्रासदी भी है, बड़ा विरोधाभास भी है, बड़ा त्रासदी भी है और दिल में क्या है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब भी जनमत जो भी हो चाहे आए तो पूर्ण आए किसी भी पार्टी को, और ये जो खिचड़ी सरकारें होती है ना फिर इसमें क्या होता है पूरे राज्य का नुकसान होता है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ गई दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। जीतन राम मांझी की डिमांड से एनडीए में खलबली मची हुई है, वहीं कांग्रेस ने टूट फूट के डर से 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक रिजॉर्ट में पहुंचाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 विधायक आज तेलंगाना जा सकते हैं। अपनी सोच अपनी मानसिकता अपनी स्वतंत्रता को कोई एक वंशवादी के मानसिकता से जोड़ करके वातावरण को बनाएगा, और जो भी कांग्रेस राजद के लोग हैं डरे सहमे लोग हैं उनको भयभीत है, लग रहा है कि कहीं मेरे दल के लोग ये जो देश के अंदर राम राज्य का वातावरण बन रहा है कहीं राम राज्य के भजन कीर्तन में न चले जाएं, इसलिए भयभीत है। वहाँ 12 फरवरी तक समय दिया गया है, यहाँ सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया गया है। बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है कि हमारे विधायकों को RJD के विधायकों को और अन्य दलों के विधायकों को NDA में शामिल कराने की, वो भी पूरी तरीके से असफल होगा। हैदराबाद में कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक जगह हैं, चार मीनार हैं, बड़े बड़े महल हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है, कई कारण हैं वो हैदराबाद जाते हैं बेंगलोर जाते हैं। तो झारखंड में यही आपने देखा, बिहार में वही तस्वीर नजर आ रही है। राकेश जी ये कांग्रेस के विधायकों को बार बार रिजॉर्ट क्यों पहुंचाया जा रहा है? दरअसल अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें कई राज्यों में कांग्रेस टूटी है, तो मुझे लगता है उसी खतरे को भांपते हुए बिहार में वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि इस बार भी विधायक कहीं टूट ना जाए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लेके आ गए, आपके राजस्थान का बहुत पुराना मामला नहीं है जब सचिन पायलट पूरे विधायकों का टोला लेके दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरह की घटनाएं लगातार उसको सचेत कर रही हैं। तो बिहार में भी आप देखिए, बिहार में इनको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि
कांग्रेस टूट सकती है, इसलिए वो अपने विधायकों के बंदोबस्त के लिए वहां गए हुए। जबकि देखिए मजेदार बात यह है अखिलेश जी कि बिहार में तो सबसे बड़ा खतरा होना चाहिए नीतीश कुमार जी को, डर नीतीश जी को सताना चाहिए कि जेडीयू टूट सकता है। इसके पहले जो खबर चली वो यही चली कि जेडीयू के विधायक टूट सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। फिर आप झारखंड में पाला उन्होंने बदला, तब यही बात कही जा रही थी कि पाला इसीलिए बदल लिया उन्होंने, तो पार्टी टूट जाएगी। झारखंड में भी सत्ताधारी दल जो है इंडिया गठबंधन के विधायकों को ही भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के विधायकों को नहीं भेजा गया। तो सबसे ज्यादा खतरा कौन महसूस कर रहा है? सबसे ज्यादा खतरा आज की डेट में यानी कि कांग्रेस ही सबसे सहज है जो टूट सकती है। क्यों भाई इतने वल्नरेबल क्यों है कांग्रेस के विधायक विजय? क्या समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी जेडीयू में टूट की आशंका दिख रही है? तो उस आशंका को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर एक वो बनाया जा रहा है कि कांग्रेस को किया जाए, और बिहार में तो आसान है क्योंकि उनके पास विधायक कम है। जब मध्य प्रदेश में टूट सकते हैं, राजस्थान में टूटने की आशंका बनी रह सकती है, तो 19 विधायकों में से 10 विधायकों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है और तोड़ा जा सकता है। और जैसे तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो उनको लगता है नीतीश कुमार जी को कि उन्हें बहुमत में कहीं मुश्किल ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखा। और जब पाला बदला तब भी इस बात की आशंका थी नीतीश कुमार जी के लिए। वैसे भी जेडीयू में दोनों तरफ से टूट की आशंका थी, वो आरजेडी के साथ रहते तो जेडीयू के एमपी टूटने की बात संभावना लग रही थी, और जब बीजेपी के साथ आ गए हैं तो ललन सिंह के बार बार लालू यादव के साथ जुड़ने के साथ उस पार्टी के टूट की आशंका है। तो क्या जेडीयू की टूट की आशंका को भी आप कांग्रेस के विधायकों की टूट की आशंका के साथ जोड़ के देख सकते हैं?